हेलो गाइज गुड इवनिंग वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल यंगर यंगे आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बारे में इसकी तरफ से 2024 का नया नोटिफिकेशन आउट हुआ है सबसे अच्छी बात है कोई भी टेंथ पास ट्वेल्थ पास ग्रेजुएट सभी के सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है यहाँ पे आपका कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं कोई इंटरव्यू भी नहीं है तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए उसके पहले अगर आपने अभी तक तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया इसको जरूर से ज्वाइन करिए इसमें मैं सारे वीडियो लिंक शेयर करता हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो गई कि आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे साहित्य अकादमी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है सबसे पहला पोस्ट है पब्लिकेशन असिस्टेंट एक पोस्ट का वैकेंसी है लेवल सिक्स की सैलरी मिलेगी अगला पोस्ट है सेल्स कम एग्जीबिशन असिस्टेंट दो पोस्ट का वैकेंसी है लेवल सिक्स की सैलरी मिलेगी अगला है टेक्निकल असिस्टेंट एक पोस्ट का वैकेंसी है लेवल सिक्स की सैलरी मिलेगी अगला है प्रूफ रीडर कम जनरल असिस्टेंट एक पोस्ट का वैकेंसी लेवल फोर की सैलरी मिलेगी नेक्स्ट रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर एक पोस्ट का वैकेंसी लेवल फोर के सैलरी मिलेगी जूनियर क्लर्क दो पोस्ट का वैकेंसी है लेवल टू की सैलरी मिलेगी मल्टी टास्किंग स्टाफ दो पोस्ट का वैकेंसी है लेवल वन की सैलरी मिलेगी इंपोर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूँ छे जनवरी से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं पांच फरवरी दो इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट है सो सबसे पहला पोस्ट जो है पब्लिकेशन असिस्टेंट है इसमें कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है पैंतीस साल एज लिमिट इसमें दिया हुआ है साथ ही साथ अगर आपके पास डिप्लोमा है इन प्रिंटिंग तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे या पांच साल का एक्सपीरियंस होना इन प्रिंटिंग प्रेस और अ पब्लिशिंग हाउस और अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कॉन्सर्न विथ बुक पब्लिशिंग ओके तब अप्लाई कर पाएंगे इसी के साथ साथ आपको नॉलेज होना चाहिए वेरियस प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग एंड बुक पब्लिकेशन तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे तो so, फैसला इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते डिप्लोमा है तभी अप्लाई कर पाएंगे बाकी सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं क्या सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा पार्ट वन पार्ट टू में रहेगा फिर सेल्स कम एग्जीबिशन असिस्टेंट इसमें आप देख सकते हैं कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है बुक सेल करने का आपको नॉलेज होना चाहिए और सेल्स प्रमोशन टेक्निक के नए मेथड जो होंगे तो उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए साथ ही साथ तीन साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन पब्लिशिंग हाउस और डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी ऑफ रेप्यूटेड और अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग दो अप्लाई कर सकते हैं इसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए बाकी सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला है टेक्निक असिस्टेंट इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए प्लस पांच साल का एक्सपीरियंस तो फ्रेसर वाला भी बताऊंगा सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला है प्रूफ रीडर कम जनरल असिस्टेंट इसमें भी जो है दो साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए एज अ प्रूफ रीडर अगला है रिसेप्शनिस्ट इसमें आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन चाहिए तीस साल मैक्सिमम एज लिमिट है इसमें भी आपके पास टू ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इन ऑपरेटिंग ईपीए बी सिस्टम तभी अप्लाई कर पाएंगे सो so, अगला पोस्ट है जूनियर क्लर्क तीस साल मैक्सिमम एज लिमिट है इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है कोई भी ट्वेल्थ पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है टाइपिंग स्पीड जो थर्टी फाइव वर्ड पर मिनट होना इंग्लिश में थर्टी वर्ड पर मिनट होना हिंदी में बाकी कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब लोकेशन आपका दिल्ली में रहेगा इसका बाकी डिजायरेबल पे आपको ध्यान नहीं देना सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करू तो ध्यान से देखिएगा पार्ट वन और पार्ट टू ठीक है इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा पार्ट में आपका साठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे चालीस क्वेश्चन जो है जीके जीएस से पूछे जाएंगे और पांच क्वेश्चन जो है हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर कंप्यूटर एंड मैथ्स इन चार टॉपिक से पांच पांच क्वेश्चन पूछे जाएंगे मतलब बीस क्वेश्चन ठीक है वैसे चालीस और बीस साठ क्वेश्चन का आपका पार्ट वन होगा इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी ठीक है कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी ध्यान से आप पढ़ सकते हैं उसके बाद पार आपका पार्ट भी होगा जो चालीस मार्क का होगा दस मार्क ईच जैसे तो ए से हिंदी इंग्लिश दस मार्क का होगा उसके बाद लेटर हिंदी इंग्लिश दस मार्क का इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव एंड नोटिस एडवर्टाइजमेंट जिसको कि आपको इंग्लिश में लिखना होगा ये भी आपका टेन मार्क का होगा ठीक है वैसे जो है टोटल फोर्टी मार्क का आपका पार्ट टू होगा डिस्क्रिप्टिव इसके लिए आपको दो घंटे का समय मिलेगा दो घंटे का आपको यहाँ पे समय मिलने वाला है फोर्टी परसेंट मार्क्स लगेंगे जनरल कैटेगरी के लिए और थर्टी फाइव मार्क्स लगेंगे एस एस टी ओबीसी पीडब्ल्यूडी डी कैंडिडेट के लिए वन इन टू ट्वेंटी के रेशियो में जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा पार्ट वन और पार्ट टू के एग्जाम के बेस पे ठीक है वन टू ट्वेंटी के रेशियो में तो आप देख सकते हैं दो पोस्ट है तो फोर्टी लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा तो आ, काफी अच्छे चांस यहाँ पे हो जाएंगे लास्ट पोस्ट है हमारा मल्टीटास्किंग स्टाफ दो पोस्ट का वैकेंसी टेंथ पास होना या अगर आपने आई टी किया है अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद अगर आपने किसी एक ग्रुप डी एम्प्लॉय के साथ मल्टी स्किलिंग सीखा है या अगर आपको नॉलेज है तो अप्लाई कर सकते हैं अगर आप फ्रेशर हो फिर भी अप्लाई करना कोई एप्लीकेशन फी नहीं है ठीक है बाकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम टू सेम सिलेक्शन प्रोसेस में है इस फॉर्म को आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा ठीक है एनवेलप पे आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो लोकेशन आप प्रेफरेंस डाल सकते हैं यहाँ पे एंड देन इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है सेक्रेटरी साहित्य अकादमी रविन्द्र भवन थर्टी फाइव फिरोज शाह रोड न्यू डेली ठीक है इस एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है बाय पोस्ट पांच फरवरी दो हजार चौबीस तक आपको सेंड कर देना है उसके पहले पहले ध्यान दीजिएगा ओनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को ही रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा ठीक है रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा सभी लोगों को यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा वो लोग जो है एप्लीकेशन जो फॉर्म है आपका चेक करेंगे फिर उसके बाद जो है लोगों को बुलाएंगे तो अगर आप एलिजिबल हुए तो डेफिनेटली आपको बुलाया जाएगा बाकी ये एप्लीकेशन फॉर्म है आपको डाउनलोड कर लेना है सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा तो ये था पूरी डिटेल जानकारी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक करना दोस्तों के कर साथ शेयर करना चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करना